नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आयरलैंड और इंडिया के बीच में हमारी सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है और पहला ही T20 मैच आज शाम को 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर काफी सारे लोग ग्रैंड लीग की टीमें बना के आएंगे। अभी यहाँ पर आप देख ही सकते हो कम्पिटिशन कितना ज़्यादा हाई है, मतलब इतने सारे लोग यहाँ पर टीमें बना के आ रहे हैं। अभी इन सारे लोगों में से हमको ऐसी टीम बनानी है जो कि हमारी टीम रैंक 1 पे भी आ जाए और मेगा ग्रैंड लीग भी अच्छी खासी विनिंग कर जाए। अभी यहाँ पे इतने सारे कम्पिटिशन को कैसे पार करके हमको अच्छी खासी मेगा ग्रैंड की टीम बनानी है, वो आज हम इस वाली वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। और यहाँ पर हमारी मेगा ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को हमको लेना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए वो भी हम समझेंगे, और साथ ही साथ CVC के लिए बेस्ट खिलाड़ी कौन सा होने वाला है ये भी समझने वाला है। और इसके अलावा मैं आपको पिच रिपोर्ट भी बताने वाला हूँ कि इस पिच की रिपोर्ट क्या है और इस वाले पिच के ऊपर कौन से बॉलर को अच्छा खासा एडवांटेज भी मिलने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको मेगा ग्रैंड लीग की रिक्सी टीम भी बना के बताने वाला हूँ जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। तो ये सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन की। विकेट कीपर वाले सेक्शन में हमारे लिए कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो भाई आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर टुकर को जरूर से लेके चलना, क्योंकि आपको पता है कि आयरलैंड की तरफ से इनकी भी बैटिंग हमको काफी अच्छी देखने को मिलेगी और वैसे प्लेयर भी काफी जबरदस्त है। तो पहला जो खिलाड़ी है विकेट कीपर वाले सेक्शन में वो हमारा टुकर होने वाला है। आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर टुकर को भी लेके चल सकते हो। अभी आपके पास दो कंडीशन है। पहला जो खिलाड़ी हमारे पास इंडिया की तरफ से संजू सैमसन है और दूसरा जितेश शर्मा है। अब यहाँ पे इन दोनों प्लेयर को आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेके चलना है। यहाँ पे केवल आपको एक खिलाड़ी को ही लेके चलना है और इन दोनों प्लेयर में से जो भी प्लेयर खेलता हो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर उस प्लेयर को लेके चल सकते हो, चाहे वो संजू सैमसन हो चाहे वो जितेश शर्मा हो। इन दोनों प्लेयर में से केवल एक खिलाड़ी को ही लेके चलना है, बाकी यहाँ पे टुकर जो है वो यहाँ पे फिक्स होने वाला है, इनको आपको लेना ही लेना है। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ जितेश शर्मा यहाँ पे नहीं खेलेंगे और यहाँ पे संजू सैमसन इस बार खेलेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर संजू सैमसन को लेके ही चलूंगा। तो यहाँ पे आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर विकेट कीपर वाले सेक्शन में ये दो प्लेयर को लेके चल सकते हो जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं भी अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इन दोनों प्लेयर को लेके चल रहा हूँ। बाकी विकेट कीपर वाले सेक्शन में आपको कौन से प्लेयर को लेना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि बैटिंग वाले सेक्शन में आपको कौन से प्लेयर को लेके चलना है। तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर यहाँ पे स्टीलिंग देखने को मिल जाएंगे। स्टीलिंग को आप चाहो तो इस वाले मुकाबले से ड्रॉप आउट करके भी चल सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी फ्लॉप ही जाने वाला है इस वाले मुकाबले के अंदर। तो यहाँ पर हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम से इनको ड्रॉप आउट करके ही चलेंगे। बाकी यहाँ पर हम लेने वाला है तिलक वर्मा को। तिलक वर्मा की जो परफॉर्मेंस है वो पिछले मैचों के अंदर भी हमको काफी अच्छी देखने को मिलेगी और शायद इस बार भी इनके खेलने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। तो यहाँ पर हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर तिलक वर्मा को भी लेके ही चलेंगे, आप भी चाहो तो लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे दूसरा जो खिलाड़ी हम लेने वाले हैं टेक्टोर को लेने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वाले मुकाबले के अंदर हमको आयरलैंड की तरफ से भी हमको बैटिंग देखने को मिलेगी। ज्यादा तो नहीं देखने को मिलेगी लेकिन कुछ कुछ तो यहाँ पे देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे इसीलिए हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर टेक्टोर को भी लेके ही चलेंगे। बाकी यहाँ पर मैं आपको एक चीज और नोटिस करवा देता हूँ, इंडिया अगर पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है तो भाई यहाँ पर आपको रन रेट जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ओपनिंग करेंगे यहाँ पे तिलक वर्मा भी करेंगे और नीचे आपको यशस्वी जायसवाल देखने को मिल जाएंगे, ये भी करेंगे। अगर ये ओपनिंग करेंगे तो हमको अच्छे खासे रन भी देखने को मिलेंगे, तो इस चीज को नोटिस जरूर कर लेना। अगर इंडिया पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है तो यहाँ पर रन काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों में से इंडिया के जो खिलाड़ी है वो काफी ज्यादा पावरफुल खिलाड़ी है, चाहे वो बैटिंग से मान लो चाहे वो बॉलिंग से मान लो, पावरफुल खिलाड़ी यहाँ पे हमको इंडिया की तरफ से देखने को मिलते हैं। तो इस चीज को भी नोटिस करके जरूर से चलना। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि इंडिया पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है तो रन काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो आप उस हिसाब से भी खिलाड़ी को लेके चल सकते हो। बाकी आप तिलक वर्मा को मैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर लेके ही चलूंगा, आप भी चाहो तो लेके चल सकते हो, क्योंकि बैटिंग कहीं ना कहीं इनकी काफी जबरदस्त देखने को मिलेगी। बाकी आप नीचे आओगे तो यहाँ पर टेक्नोर देखने को मिल जाएंगे, तो मैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इनको भी लेके ही चलूंगा इस वाले मुकाबले के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं बैटिंग हमको इनसे भी देखने को मिलेगी। बाकी आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको गायकवाड़ देखने को मिल जाएंगे इंडिया की तरफ से। गायकवाड़ को भी आप चाहो तो अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर लेके चल सकते हो, क्योंकि इस वाले मुकाबले के अंदर हमको काफी अच्छी बैटिंग देखने को मिलेगी और इसके अलावा इंडिया के जो खिलाड़ी है वो आउट भी कम होंगे, तो इसीलिए मैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर गायकवाड़ को भी लेके ही चलूंगा। बाकी यहाँ पे मैं बलबीरियान को यहाँ पे ड्रॉप आउट करके चलूंगा और यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ यशस्वी जायसवाल को। यहाँ पे यशस्वी जायसवाल का भी ऑप्शन काफी बेस्ट होने वाला है और पिछले मुकाबले खेले थे इन्होंने, काफी सुपर परफॉर्मेंस इन्होंने की है, तो यहाँ पे इसीलिए मैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर यशस्वी को भी लेके ही चलूंगा। बाकी यहाँ पे दो तीन खिलाड़ियों को मैं ड्रॉप आउट करके ही चलूंगा, जिसके अंदर शिवम दुबे है और यहाँ पे रिंकू सिंह भी है, क्योंकि इनके खेलने के चांसेस कम है। लेकिन फिर भी अगर इन दोनों प्लेयर में से कोई भी एक प्लेयर खेलता हो और इनमें से अगर इंडिया के खिलाड़ी में से कोई भी खिलाड़ी अगर नहीं खेलता हो तो उसकी जगह पर आप शिवम दुबे और रिंकू सिंह में से किसी भी एक खिलाड़ी को आप लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे ये तीनों प्लेयर अगर खेलते हैं तो भी आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इंडिया की तरफ से ये तीनों प्लेयर को लेके चल सकते हो। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको बता ही दिया है, कौन सा खिलाड़ी सबसे अच्छी परफॉर्म करेगा वो भी मैंने आपको बता ही दिया है। आप अपने
अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर बैटिंग वाले सेक्शन से ये खिलाड़ी लेके चल सकते हो। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे बॉलिंग वाले सेक्शन से, क्योंकि बॉलिंग वाला जो सेक्शन है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट सेक्शन है। तो इसलिए मैं आपको पहले बॉलिंग वाले सेक्शन से बताऊंगा और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा ऑलराउंडर वाले सेक्शन से। बॉलिंग वाले सेक्शन में सबसे पहले हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जसप्रीत बुमराह, और इसके बाद यहाँ पे जे लिटिल देखने को मिल जाएंगे, अर्शदीप सिंह देखने को मिल जाएंगे, यंग देखने को मिल जाएंगे, कृष्णा देखने को मिल जाएंगे, अड्डी अय्यर देखने को मिल जाएंगे, ए खान देखने को मिल जाएंगे, रवि बिश्नोई देखने को मिल जाएंगे, मुकेश कुमार देखने को मिल जाएंगे। बाकी नीचे के खिलाड़ी इतने ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं होंगे, तो इसीलिए मैं इनको ड्रॉप आउट करके ही चलूंगा। तो यहाँ पे फिलहाल अपन देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी हमारे लिए इंपोर्टेंट है बॉलिंग वाले सेक्शन से। सबसे पहले देखोगे तो जसप्रीत बुमराह देखने को मिल जाएंगे, तो इसको हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर लेके ही चलेंगे, क्योंकि काफी दिनों बाद यहाँ पे बॉलिंग करने आ रहे हैं और काफी दिनों से ये मैचेस भी नहीं खेले थे, तो शायद इस बार अच्छा खासा कमबैक भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनसे हमको काफी अच्छा बेनिफिट भी मिलने वाला है, काफी ज्यादा विकेटें भी निकालने वाले हैं। तो इसीलिए मैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर बॉलिंग वाले सेक्शन से जसप्रीत बुमराह को भी लेके ही चलूंगा। बाकी यहाँ पे नीचे आओगे तो जे लिटिल देखने को मिल जाएंगे, जे लिटिल को भी लेके चलूंगा और अर्शदीप सिंह को भी लेके चलूंगा, क्योंकि ये दोनों प्लेयर काफी जबरदस्त होने वाला है और साथ ही साथ तेज गेंदबाज भी है। और यहाँ पे हमारे जसप्रीत बुमराह भी तेज गेंदबाज है, तो यहाँ पे हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर बॉलिंग वाले सेक्शन से ये तीनों प्लेयर को लेके ही चलेंगे। आप भी चाहो तो अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इन तीनों प्लेयर को लेके चल सकते हो। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन में ये जो तीन प्लेयर है, आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इन तीनों प्लेयर को लेके जरूर से चलना। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट है। सबसे पहले तो भाई कैंपर को आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर लेके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आयरलैंड की तरफ से यहाँ पे बेस्ट ऑलराउंडर भी है और कहीं ना कहीं बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे और साथ ही साथ तेज गेंदबाज भी है, और तेज गेंदबाज को ये वाला पिच काफी अच्छा सपोर्ट भी करेगा। तो इसीलिए मैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कैंपर को भी लेके चलूंगा, आप भी चाहो तो लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे एक खिलाड़ी मैं रिक्स लेके लेने वाला हूँ, वो है यहाँ पर वर्षीटम सुंदर। मैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर सुंदर को लेके चलूंगा, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये भी बॉलिंग करने वाले हैं और बैटिंग करेंगे, फिर भी हमको अच्छा खासा रन भी देखने को मिलेगा इनसे, और बॉलिंग करेंगे फिर भी ये विकेटें भी निकालेंगे। तो इसीलिए मैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर ऑलराउंडर वाले सेक्शन से वर्षीटम सुंदर को लेके ही चलूंगा। बाकी यहाँ पर आप हमारी ग्रैंड लीग की टीम देख सकते हो कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर विकेट कीपर वाले सेक्शन में मैंने दो खिलाड़ी को लिया है, जो कि इस वाले मुकाबले के अंदर हमको अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी करके देने वाला है। बाकी यहाँ पे बैटिंग वाले सेक्शन से आप देख सकते हो तिलक वर्मा को लिया है, ट्रैक्टर को लिया है, और यहाँ पे मैंने गायकवाड़ को भी लिया है, यशस्वी जायसवाल को भी लिया है। आप भी अपने ग्रैंड लीग की टीम के अंदर बैटिंग वाले सेक्शन से ये चार खिलाड़ी लेके चल सकते हो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे ऑलराउंडर वाले सेक्शन की बात की जाए तो भी कैंपर को लिया है और सुंदर को लिया है, और आपको पता ही है कि ये दोनों प्लेयर जो है ये काफी अच्छे ऑलराउंडर भी है और बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करने वाले हैं। तो इसलिए आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इन दोनों प्लेयर को लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे बॉलिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने तीन खिलाड़ी को लिया है, जिसके अंदर मैंने जसप्रीत को लिया है, जे लिटिल को लिया है और अर्शदीप सिंह को लिया है। तीनों ही तेज गेंदबाज है और तेज गेंदबाज को काफी अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा इस वाले मुकाबले के अंदर। तो आप भी चाहो तो अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर ये तीनों प्लेयर को लेके चल सकते हो। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सारे खिलाड़ियों में से हमारे लिए बेस्ट सीवीसी का ऑप्शन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे मैं कैप्टन जो क्रिएट करने वाला हूँ वो यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को करने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है कि काफी अच्छी बैटिंग भी करने वाला है इस वाले मुकाबले के अंदर और ओपनिंग भी करेंगे, और ये जब भी ओपनिंग करते हैं तो भाई काफी अच्छा रन भी बनाते हैं। तो इसीलिए हमारा कैप्टन जो होने वाला है यशस्वी जायसवाल, और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो भाई जसप्रीत बुमराह आपके लिए काफी जबरदस्त खिलाड़ी है। तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर एक टीम के अंदर कुछ इस तरीके से सीवीसी क्रिएट करके चल सकते हो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे, जिसके अंदर देख सकते हो हमारे सीवीसी कुछ इस तरीके से होने वाला है। बाकी अगर आप यहाँ पे दो तीन टीमें बना रहे हो तो आप अलग अलग तरीके से भी सीवीसी क्रिएट करके चल सकते हो, जिसके अंदर कैप्टन आप क्रिएट कर सकते हो जसप्रीत बुमराह को, और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो भाई तिलक वर्मा को भी आप कर सकते हो। अगर आप दो टीमें बना रहे हो तो कुछ इस तरीके से भी सीवीसी क्रिएट करके चल सकते हो। बाकी अगर आप तीन टीम बनाते हो तो भाई अलग अलग तरीके से भी आप सीवीसी क्रिएट करके चल सकते हो। बाकी खिलाड़ी कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी ये वाली वीडियो और ये वाली इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, और हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वाली वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।